अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है टिक्का कबाब मसाला। और टिक्का कबाब मसाला कैसे बनेंगे, इसकी रेसिपी क्या है ये जानते हैं जी। तो आज हम लोग जो मसाला बना रहे हैं उसकी तरकीब क्या है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कीमा और तकरीबन 1 kg ये कीमा है। इसके अंदर हम लोगों ने ये टमाटर डाले हैं और हम लोगों ने हरी मिर्चें और ये प्याज। तो अब हम लोग इसके अंदर डालने जा रहे हैं लाल मिर्च। इसके हम कबाब बनाएंगे, ये जो कीमा है ये कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम लोगों ने ये जो सा है जी 1/2 tablespoon हम लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। और ये हमने एक टिक्का मसाला लिया है नेशनल वालों का, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। एक चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर ये शामिल कर दिया और हाफ और हमने शामिल कर दिया है। ओके, 1.5 tablespoon हम लोगों ने इसके अंदर ये जो सा है टिक्का मसाला शामिल किया है। और ये तकरीबन 1/2 tablespoon हम लोग इसके अंदर नमक शामिल कर रहे हैं और ये हल्दी तकरीबन 2-3 pinches कह सकते हैं हम। और इसी तरह ये ज़ीरा भी है तकरीबन 2 pinches कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, और यहाँ पे अब हम लोग इसके अंदर दादी मिर्च डाल रहे हैं, ये भी तकरीबन 1 pinch डाल रहे हैं हम लोग। तो अब इसके हम लोग कबाब तैयार करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके कबाब तैयार करने और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देख लेना। मज़ेदार से जो है ये टिक्का कबाब है वो कैसे तैयार होंगे, इसकी रेसिपी कैसे फाइनल होगी। ये तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो से कबाब है उनको हम लोगों ने इस शेप में तैयार कर लिया है। आप लोग चाहें तो इनको राउंड शेप में भी, मतलब गोल भी बना सकते हैं, या इस शेप में भी आप लोग इनको तैयार कर सकते हैं। तो घी हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इनको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग जो इसकी ग्रेवी है वो भी तैयार करेंगे। पहले हम लोगों ने कबाब फ्राई कर लेने हैं, उस ग्रेवी के अंदर जो ये कबाब है हम लोग वो शामिल करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से ये टिक्का कबाब की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो आप लोगों ने इसको देखना और इन्जॉय करना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अच्छी तरह से इनको हम लोगों ने पका लेना है घी के अंदर, तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये कच्चे हैं। और इनको अब हम आपके सामने ही तैयार करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर जो से हम लोगों ने कबाब से फ्राई होने के लिए फ्राई हो चुके हैं, तो लाइट से हम लोगों ने कलर किया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसको ग्रेवी के अंदर डालना तब भी ये पक जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मतलब इनका साइज़ पहले बड़ा था और पकने के बाद ही शीलिंग हो चुके हैं। तो अब उसको हम लोग निकाल रहे हैं और जो बाकी हमारे कबाब उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यूनिक सी ईजी सी रेसिपी है ये। देखें माशाल्लाह, वो बिल्कुल भी टूटे नहीं है, बहुत अच्छे से कबाब भी बन गए हैं यहाँ पर। क्योंकि आज की हमारी रेसिपी जो सी है वो टिक्का कबाब है और ये हम कबाब पहले फ्राई करके इसको फिर ग्रेवी के अंदर शामिल करेंगे। ये तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम लोगों ने जो से है वो कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो टिक्का कबाब की है और यहाँ पे हमने कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहती हैं आप? यहाँ पे फिर कैमरे में ऐसे करके बताएं मज़े की है। तो ये सारी ट्राई करके भाएँ। और इसके अलावा आप क्या कहोगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ट्राई करें, शेयर करें, शेयर करें, ट्राई करें, ट्राई करें। बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। चलो ठीक है, अब हम आपको अब हम और बाकी बाकी बाकी, बाकी कुकिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यकीन है ना आपको, अब ये जो हमारे पारे से बच्चे की है बातें अच्छी लगी होंगी। तो अब हम अपनी बाकी जो सी हमारी वीडियो है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्रेवी बनानी है उसके प्याज हम लोगों ने ग्राइंड कर लिए हैं। अब ग्राइंड किए हुए प्याजों को हम लोग वहाँ घी में शामिल करेंगे और आपको दिखाते हैं।
बट वही प्याज जो भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि जिनको हम लोगों ने ग्राइंड किया है, उसी घी के अंदर हम लोगों ने इसको शामिल कर लिया है। अब अच्छी तरह से इसको हम लोग फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और फिर इसके बाद मज़ेदार से जो सी हमारी रेसिपी होगी, फर्दर जो चीज़ें हम इसे शामिल करते जाएंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। तो फिर आप लोगों ने कहीं जाए वीडियो को पढ़ देना, मज़ेदार से जो दिखा कि आपकी रेसिपी वो कैसे फाइनल होगी। हम लोगों ने यहाँ पे देख लें प्याज हल्के से ब्राउन कर लिए, तो इनका कलर इनका चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर जो सा टमाटर शामिल कर रहे हैं, ये वही टमाटर जो हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा तो आपको अंदाज़ा होगा। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर स्पाइसीज ऐड करेंगे और अच्छी तरह से उसको भूनने के बाद लास्ट में जो से हम लोगों ने आज आप लोगों के सामने कबाब तैयार किए हैं, जो टिक्का मसाले के हम लोगों ने कबाब तैयार किए हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो अब हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर रहे हैं, हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। तकरीबन हम लोग हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जो सा है वो सुरख मिर्च का शामिल कर रहे हैं और अब हम इसके अंदर नमक शामिल कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं हाफ टेबल स्पून। और अब हम लोग इसके अंदर जो सा है वो हल्दी पाउडर, वो भी हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून लिया। इसको अच्छे से भून लेते हैं और अब हम लोगों ने इसके बाद इसको भूनने के बाद अंदर कबाब डालने हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने मसाला तैयार कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही उमदा खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर वही कबाब जो हम लोगों ने फ्राई किए वन बाई वन हम इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे और फिर उसके बाद जो हमारी रेसिपी वो फाइनल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसे हाफ से ज़्यादा कुक कर चुके हैं। ये अब मतलब अनकुक तो है नहीं, तो जल्दी ही जो हमारी रेसिपी वो फाइनल हो जाएगी। सेपरेट से हम लोगों ने ग्रेवी भी तैयार कर ली है और कबाब भी डाल दी है, तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप उसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम दम पर रखते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। इसको हम लोग खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखें तो ग्रेवी भी कितनी अच्छी है, घी भी इसके ऊपर आ चुका है, खुशबू बहुत ही उम्दा आ रही है, कबाब बिल्कुल नहीं टूटे और ये बिल्कुल हमारी जो रेसिपी फाइनल हो चुकी है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब इसको हम लोग डिश आउट कर रहे हैं और उससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा ये धनिया और ये हरी मिर्ची हम लोग इसके ऊपर डाल दे रही है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि मज़ेदार से जो से टिक्के मसाले के हमने आज कबाब तैयार किए हैं, जो टिक्का कबाब हम लोगों ने तैयार किए ग्रेवी के साथ, क्योंकि आज की जो सी रेसिपी वो टू इन वन थी। टू इन वन ऐसे कि अगर सिर्फ आप लोगों ने थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर डाल दें, बट अगर आप लोगों ने सिर्फ कबाब बनाने हैं तो वो भी हमने रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी कि आप लोग कबाब भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको मतलब ग्रेवी के साथ बनाना है जो मसाले वाले, तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको गार्निश भी करना है धनिया हरी मिर्च के साथ, हम इसमें भी शामिल कर दिए, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। माशाल्लाह तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपी का लुक लग रहा है। जो कबाब है वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, वो भी बिल्कुल जो कीमा है वो गल चुका है क्योंकि अनकुक्ड थे, तो हम लोगों ने इसको पहले फ्राई किया है और बाद में हम लोगों ने ग्रेवी के अंदर शामिल किया। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है और ये इसका फाइनल लुक। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स अब आपके साथ आज हमने जो रेसिपी शेयर की है वो टू इन वन थी, इसको ज़रूर ट्राई करके हमें अपनी फीडबैक देने के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपको इस तरह के मुझे अच्छे अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाजत हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।